बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सेहत संबंधी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उन लोगों में इसका असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है जिन्हें सांस संबंधी बीमारी पहले से हो। कैसे रखें अपना ध्यान और क्या कुछ हैं बचाव के उपाय, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग्लेडविन त्यागी जी, जो कि श्वास रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेस्ट हॉस्पिटल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या शिकायतें लेकर मलिक फिलहाल आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है तरुण जी कि ये विगत कई वर्षों में हमने देखा है कि जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण की जो स्थिति है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीनों में काफी खराब रहती है, और जिसका खामजाना दिल्ली, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन सबके जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ता है। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ऐसे में जो अस्पताल में सामान्य ओपीडी में यदि मान लीजिए 100 मरीज आते हैं तो 40% यानी 100 में से 40 मरीज जो है वो ऐसे आते हैं जिनको कोई ना कोई सांस संबंधित शिकायत होती है, या फिर उनको कोई वो कंप्लेंट जो लेके आते हैं उसमें सांस समस्या से रिलेटेड या फिर एलर्जी से रिलेटेड कोई ना कोई मतलब शिकायत बताएंगे ही बताएंगे आपको। आप देखिए कि कोविड के बाद से ये स्थिति और भी अधिक खराब हुई है। उसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि कोविड में क्या हुआ है कि जो ऑर्गन सबसे ज्यादा जिस पे असर आया है वो है आपका फेफड़ा यानी कि लंग्स, और प्रदूषण का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है वो भी आपके फेफड़े पे ही आता है। तो इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड है वो लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई सांस की बीमारी या तो किसी ना किसी रूप में रही हो, या जो हाइपर सेंसिटिव हो जिनमें एलर्जी की शिकायत का खतरा मतलब पहले के मुकाबले और अधिक बढ़ गया है। ये ज्यादा एक बात। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कि बॉडी कोई ऐसा नहीं है कि इसका एक ऑर्गन अलग काम करता है दूसरा अलग, इसके सब ऑर्गन इंटरकनेक्टेड है। जैसे जो फेफड़े का काम है वो खून की सफाई करने का है, हार्ट का काम है पंप करने का है। तो जो हार्ट की पंपिंग है कोविड में, जिन लोगों को अच्छा कोविड हुआ था या मतलब काफी ज्यादा जिनमें कोविड के लक्षण आए उनमें मायोकार्डाइटिस का खतरा बढ़ा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा और इस तरीके की चीजें मतलब बढ़ी। तो ऐसे में क्या होता है कि जब अब आके लोगों के अंदर सांस की बीमारियों वाले जो लोग हैं या अन्य लोग हैं जिन पे लंग्स पे जोर पड़ रहा है, ऐसे मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है और कुछ केसेस में ये रिपोर्टेड भी है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी आई कि भाई जो लोग हार्ट के मरीज, जिन लोगों को कोविड हो चुका है वे जो है इस मौसम में बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से अपना बचाव करें। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो जो अस्पताल में आने वाले मरीज हैं अगर उनकी संख्या की बात करूं तो निश्चित तौर पे वो बढ़ गई। क्योंकि आपने बताया कि जिन लोगों को सांस संबंधित पहले से ही कोई रोग है वो लोग आ रहे हैं, लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें किस तरह की तकलीफ हो रही है? देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम अपनी बात करें, सपोज मुझे आपको हमें सांस की कोई शिकायत नहीं थी कभी भी, लेकिन इस मौसम में आते ही अचानक से आपको खांसी मान लीजिए बढ़ गई या आपको खांसी हो गई है, सपोज आपको सूखी खांसी की आप शिकायत कर रहे हैं और आप एक सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाते फिर खांसी उठ जाती है, आप जरा सी एक्टिविटी करते हैं तो खांसी उठ जाती है, रात को आप सोने जाते हैं तो खांसी उठ जाती है। तो एक तो खांसी की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दूसरी चीज, सांस फूलने की शिकायत, आदमी इसमें शिकायत करता है कि जी मुझे जो है सांस फूल जाता है, जरा सा मैं चलता हूँ, जरा सी एक्सरसाइज करता हूँ, जरा सा कोई लेबर का काम करता हूँ तो सांस फूल जाती है। तीसरी चीज, जब ये समस्याएं होती हैं तो व्यक्ति की एक स्वतः प्रक्रिया है कि उसे उस चीज से चिड़चिड़ापन महसूस होता है। तो मैं देख पा रहा हूँ आजकल मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं या ओपीडी में जो हम लोगों के पास पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट ये शिकायत करते हैं जी ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, ये जो है अक्सर लोगों के साथ में इसका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है, या वो उनके साथ में जो है उसका जो नॉर्मल रूटीन से जैसे वो रहता था वैसे नहीं रहता है। चौथी चीज, मरीज अक्सर ये शिकायत करता है जी मुझे हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, चेस्ट में पेन बताएगा या अन्य डिस्कम्फर्ट्स की शिकायत वो करेगा। तो सामान्य व्यक्ति के साथ में ये समस्या आ रही है कि अगर उसको प्रदूषण का इम्पैक्ट आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं पे उसके लंग्स पे, उसके हार्ट पे, इवन उसके ब्रेन पे, हर जगह इफेक्ट आ रहा है। किन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है? जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति ऑलरेडी सांस की बीमारियों से पीड़ित है, जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, जिन लोगों को दमा है, अस्थमा है, भाई जिन लोगों को पहले से ही जो लोग दवाइयों पे हैं सांस की बीमारियों को लेके,
ऐसे में क्या होता है कि ये जो एलर्जन होते हैं या ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये एक तरीके से एक एलर्जिक फैक्टर का काम करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं और सांस की नली में सुकड़न आती है, सूजन आ जाती है, तो जिसकी वजह से सांस अंदर ठीक से नहीं आता, पॉल्यूशन उसके अंदर इकट्ठा होता चला जाता है और आदमी जो है वहीं से एक ये सर्कल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत सांस तक पहले सीमित रहती है, फिर उसके बाद में अन्य ऑर्गन्स तक भी आ जाती है। एक बात, दूसरी चीज, वे लोग जिनको सांस की बीमारी तो नहीं थी लेकिन उनके अंदर एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी थी, यानी कि वो सेंसिटिव थे सामान्य लोगों के मुकाबले कहीं अधिक। तो ऐसे में जब प्रदूषण का लेवल बढ़ता है या फिर जैसे धूल मिट्टी धुएं का लेवल बढ़ता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी शरीर के अंदर उसके जो है वो एक साइकिल शुरू होता है, जिससे कि उसका जो बॉडी है वो उस चीज के लिए तैयार नहीं होते, ऐसा लगता है जैसे दमे और अस्थमे का अटैक आ गया है। इस प्रकार से जो व्यक्ति सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं उन लोगों को दिक्कत होती है, जो लोग सामान्य व्यक्ति होते हैं उनमें एलर्जी ज्यादा होती है वो पीड़ित होते हैं, और एक कॉमन मैन जो कि बिल्कुल एकदम फिट है लेकिन जैसे ही वो प्रदूषण के अंदर जाता है तो जो प्रदूषण की वजह से समस्याएं होती है उसको, वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों से अफेक्ट होता है। सर, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि मुझे या किसी को कोई दिक्कत हो रही है, वो उसके शुरुआती लक्षण कैसे पहचाने कि ये दमे का अटैक है, या उसे किस तरह की मतलब लक्षण दिखाई देंगे, प्रदूषण उसकी बॉडी में असर दिखा रहा है। मैं बताता हूं आपको कि क्या है कि जैसे मान लीजिए आप सामान्य दिनों में अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, जब प्रदूषण का असर आता है तो आपको ना सांस थोड़ी खींच के आएगी, आपको लगता है कि यार मुझे सांस जो है वो ठीक से नहीं आ रही है, मुझे सांस लेने में कठिनाई हो रही है, मुझे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे सांस लेने में काफी मेहनत लगानी पड़ रही है। एक बात, दूसरी चीज, मुझे ऐसा महसूस होगा कि जैसे मेरी सांस फूल रही है, मतलब मैंने कोई एक्टिविटी भी नहीं की, मैं कहीं पे वो भी नहीं गया, गया भी नहीं, लेकिन मेरे को सांस अपनी फूलती हुई प्रतीत होती है। एक तो वे लोग हैं जो किसी ना किसी कारणवश सांस की बीमारियों से पीड़ित हैं, यानी कि जैसे दमा के, अस्थमा के, या फिर मुझे कहना चाहिए कि सांस की अन्य बीमारियों से पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जैसे ILD है या हाइपर सेंसिटिविटी है, उन लोगों में स्थिति ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उन्हें जैसे ही कोई ट्रिगर फैक्टर मिलता है, जैसे ही उनको एलर्जन आते हैं, उनके अंदर जो बीमारी होती है वो एग्जेजरेट हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, यानी उनके अंदर अटैक आने लगते हैं, दमा के, अस्थमा के, इनके अटैक आने लगते हैं। एक सामान्य व्यक्ति है, उसको अपने रोजमर्रा के कार्यों में दिक्कत महसूस होती है, सांस फूला हुआ महसूस होता है, खांसी आने लगती है, उसको अन्य प्रकार से चिड़चिड़ापन महसूस होता है, छाती में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो ये दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि वो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, या जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनकी इम्यूनिटी किसी ना किसी कारणवश कमजोर है, या जो बच्चे हैं, ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है कि जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है आपको बैक्टीरिया, वायरस, इनका इन्फेक्शन लगने का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति जो प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, इन्हें उसके अतिरिक्त भी प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई माइक्रोब कहीं से अटैक करता है तो वो उनके लिए ज्यादा घातक सिद्ध होता है। तो जो लोग इम्यूनिटी कमजोर है या जिन लोगों के पास में कोई ना कोई पहले से बीमारी है, उन लोगों को इसमें विशेष ध्यान, इसीलिए हम कहते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका तो विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए, क्योंकि उसका प्रदूषण का अगर वो लंबे टाइम तक उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है तो कहीं ना कहीं उसके गर्भ पे भी इस चीज का असर पड़ सकता है। और इससे जो बचाव के उपाय हैं वो वही है, बहुत सिंपल, कि जब तक हर व्यक्ति इसमें अपने स्तर पे प्रदूषण से लड़ाई के लिए कमर नहीं कसेगा, तब तक वो इससे सरकार के भरोसे पे रहकर आप अपनी सेहत का खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकले मास्क का इस्तेमाल करें, तो सिंपल कपड़े का मास्क है वो उतना कारगर नहीं है, अगर N95 मास्क लगाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अधिक कारगर सिद्ध होता है, जिसमें कि जो धूल के छोटे कण है वे आपके अंदर नहीं जा पाते हैं। प्लस इसके अलावा ऐसे में पानी का विशेष ध्यान रखें कि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए, इसलिए पानी की अपनी बॉटल साथ लेके जाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग दवाइयां लेते हैं किसी भी चीज के लिए, वो दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करें। चौथी चीज, अच्छा पौष्टिक खाना खाएं, ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं, फलों और हरी सब्जियों की मात्रा अपने खाने में बढ़ाएं, ताकि बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर आपका तैयार रहे। तो मुझे लगता है कि अगर हम सब मिलकर ये प्रिकॉशन लेते हैं, सरकार अपने स्तर पे काम करती है,
स्वास्थ्य के लिए हर व्यक्ति अपने आप में अपने आप को तैयार करता है, या हर फैमिली का कोई ना कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी लेता है, तो मुझे लगता है कि प्रदूषण की स्थिति को काफी अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है और इससे निपटा जा सकता है। सर, क्योंकि प्रदूषण सभी जानते हैं कि वो सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन प्रदूषण कितना खतरनाक हो सकता है लगातार बढ़े रहना? मैं आपको बताऊं प्रदूषण क्या है। प्रदूषण बेसिकली वो अनवांछित, यानी कि जो जो चाहिए अनडिजायरेबल चीज है जो एनवायरनमेंट में है और जिसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ गंदा ही आता है, यानी कि खतरनाक ही होता है। अगर आप देखें कि जो जल प्रदूषण है, अभी तो हम वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, तो इवन वैचारिक प्रदूषण भी जो है, तो इसका इम्पैक्ट ये है कि ये अल्टीमेटली आपके शरीर के लिए जानलेवा सिद्ध होता है। ये आपको जान से भी मार सकता है, यानी कि प्रदूषण की वजह से अगर जो सबसे कॉमन लॉन्ग टर्म में देखी जाए बीमारी जो है वो है कैंसर, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर जो है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रदूषक कारकों से होते हैं। तो इसलिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि खाली ये ना देखा जाए कि भाई मैंने आज जो है मुझे एक्सपोजर हो रहा है तो आज ही इसका नुकसान होगा। जो प्रदूषण का एक्सपोजर आपको आज हो रहा है, हो सकता है आने वाले 10 साल बाद आपको उससे नुकसान हो। तो प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। लॉन्ग टर्म में ये हमें जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है, कैंसर भी करवा सकता है, अन्य बीमारियां भी करवा सकता है। तो जहां तक संभव हो प्रदूषण को रोकने के लिए, उससे बचाव के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर उपाय करना चाहिए। सर, काफी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। एक अंतिम सवाल है मेरा। आपने बचाव के हालांकि उपाय बताए हैं, लेकिन जो लोग रोज घर से दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकलते हैं, नौकरी पेशा लोग हो, वो कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखें, कैसे बचें इससे? मैं भी ये बात बहुत अच्छे से समझता हूँ कि कोई भी आदमी घर में कैद होके नहीं रह सकता प्रदूषण की वजह से। बाहर भी निकलना होगा, काम भी करना होगा, तो इसमें कुछ सावधानियां हैं और वे सावधानियां इसी प्रकार हैं कि जो लोग मान लीजिए सांस की किसी बीमारी से ऑलरेडी सफर करते हैं, तो एक तो वे अपनी दवाइयों का विशेष ध्यान रखें, उसमें कोताही ना बरतें, और अगर आपके लक्षणों में बदलाव आता है तुरंत अपने डॉक्टर से मिले। इसके अलावा वे लोग जिनको एलर्जी की शिकायत है, वे विशेष इस चीज का ध्यान रखें कि जैसे आप मान लीजिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग जो है वो आप करें। तीसरी चीज, अपने साथ में पानी की बोतल जो है आप वो जरूर लें, क्योंकि तो बीच बीच में पानी की कमी ना होने पाए। और इसके अलावा आप जब घर से बाहर जाते हैं तो मान लीजिए अगर आप कार पूलिंग कर सकते हैं या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं तो वो यूज करें, ताकि डायरेक्ट पोल्यूशन का इम्पैक्ट आपके ऊपर ना आए। और चौथी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपकी मजबूरी हो तभी घर से बाहर निकला जाए। ऐसे में मतलब जितना आप कम एक्सपोज होंगे उतना पॉल्यूशन का इम्पैक्ट कम होगा। तो जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं जिन्हें डेली बाहर जाना है, या अपना जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनके लिए बेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें। अगर दवाइयां लेते हैं तो दवाइयों का सेवन प्रॉपरली करें, अपने स्वास्थ्य में पौष्टिक चीजों का जो चयन है वो करें, और अपने आप को बचाने के लिए जो बेस्ट से बेस्ट उपाय कर सकते हैं वे करें। और शाम को जैसे आप अपने घर लौट के आते हैं और करते हैं, तो उस टाइम पे जो प्रदूषक तत्व आपके सांस में या उसके अंदर है उनको अच्छे से आप साफ करें, और कोशिश करें कि जहां तक संभव हो सके इस एक्सपोजर को कम किया जाए। सर, क्योंकि आपने मास्क का जिक्र करा, तो मास्क कौन सा यूज करें, क्योंकि इसको लेकर भी काफी भ्रांतियां हैं। देखिए क्या होता है कि इसमें जो पीपीएम है, यानी कि पर्टिकुलेट जो मैटर्स हैं या जो धूल के कण हैं, वो जो एक सामान्य मास्क है वो केवल बड़े धूल के कणों को रोक सकता है, यानी कि 10 माइक्रोन से ऊपर। उससे छोटे जो कण होते हैं उसके लिए आपको एक बहुत हाई क्वालिटी मास्क चाहिए। इसमें जो N95 मास्क है वो काफी कारगर होते हैं। अब मान लीजिए आपने एक कपड़े का मास्क ले लिया तो वो केवल मोटे मोटे ही तत्व रोक सकता है या मोटे कण रोक सकता है, लेकिन जो बारीक कण है वो भी आपके सांस के अंदर जाएंगे। तो अगर आप सांस की बात करें, इवन जो 3-प्लाई मास्क है, जो सर्जिकल मास्क है, वो भी काफी इफेक्टिव है, वो भी बहुत इफेक्टिव है। अगर मान लीजिए आप N95 जो है महंगा आता है या आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो सर्जिकल मास्क का उपयोग करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार।